उत्तर प्रदेश के बस्ती में आम आदमी पार्टी छोड़ सुहेलदेव भारतीय समाजवाद पार्टी में शामिल हुई बबीता शुक्ला। सुहेलदेव भारतीय समाजवाद पार्टी से बस्ती नगर पालिका से कर रही हैं बबीता शुक्ला दावेदारी। बबीता ने कहा कि झाड़ू लगाने का तो मौका नहीं मिला, पर अब छड़ी दौड़ेगी। बस्ती नगर पालिका क्षेत्र में कुल 25 वार्ड है। 25 वार्ड में जितनी जनता के घर हैं, 3 दिन के अंदर एक एक जनता से मिलकर उनका आशीर्वाद लूंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो हमें प्यार सम्मान दिया है, उन्हें मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये बहन बस्ती नगर पालिका के चेयरमैन सीट को जीत कर आपका सम्मान बढ़ाएगी। वंदे भारत के लिए बस्ती से अभिषेक गौतम की रिपोर्ट। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाइयों का। वैसे तो कॉन्फ्रेंस मेरी हो चुकी है और आप लोग काफ़ी लेट हैं, तो लेकिन इस बात को मैं बाइट के द्वारा इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि आप हमेशा मेरे जुझारू वर्ग को दिखाते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से सलाम करूँगी। मेरा आज जो कॉन्फ्रेंस है वो भावी प्रत्याशी मैं चुनी गई हूँ और इस पार्टी के सम्मान में मैंने ये कॉन्फ्रेंस रखा था। मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि बबीता शुक्ला आज इस नए परिवार के साथ जुड़ी है, ये हमारा परिवार है, तन मन धन से इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है। दूसरा, चेयरमैन प्रत्याशी पूरे बस्ती शहर में सिर्फ एक लड़ रही है क्योंकि सीट महिला है। जितने लड़ने वाले लोग हैं वो सारे पुरुष लड़ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ पूरे बस्ती शहर को कि पुरुष कैंडिडेट की लड़ाई नहीं है, ये महिला कैंडिडेट की लड़ाई है। महिला कैंडिडेट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों का चेहरा दिखता है, वो है डॉक्टर रोजेश। आप भाइयों से भी निवेदन है कि इस पार्टी को, इस सहयोग को बनाए रखें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज दें कि इस पार्टी के लड़ने के लिए मुझे जो ताकत मेरे परिवार ने, राजभर परिवार ने दी है, उसका स्वागत करते हुए आप सबको निवेदन करना चाहेंगे। मैम, अभी आपने एक बात कहा है कि लुभाने की बात की है, किस तरह का लुभावन देने वाली है? सच्चाई दिखाइए। नालियों की स्थिति खराब है जी। नाली अगर टूटी फूटी रहेगी तो दिखाइए लोगों को किस बात का वोट लिया 5 साल पहले नाली के नाम पे, सड़क के नाम पे। तो जितने छलवे बीजेपी ने किए उस छलवे को दिखाने के लिए उनका दुष्प्रचार नहीं कर रही हूँ, सच्चाई दिखाने का काम कर रही हूँ। अभी तो कुछ विरोधी दल के लोग कह रहे हैं कि झाड़ू आपने लगा चुका और कुछ नहीं कर पाया, इसमें क्या करने वाले हैं? हमें मौका कहाँ दिया गया सर जी। अब तो हम छड़ी लेकर सबको खदेड़ के मौका लेने जा रहे हैं। ठीक, एक बात, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? जनता का रिस्पांस तो बबीता शुक्ला के काम पे मिलता है और मैंने शुरू से समाज सेवा की है और मुझे 100% ये उम्मीद है, विश्वास है कि हमारे परिवार वाले, हमारे पार्टी वाले, हम लोग, हमारे युवा भाई सारे मिल करके 2 दिन के अंदर पूरे शहर को कैप्चर कर लेंगे। 11 मई को जो है मतदान है और आपके पास 10 दिन का समय है, इसमें कैसे आप लोगों तक जाएंगे और कितना मेहनत करने वाली है? 25 वार्ड है जी, 6 बजे सुबह निकलूंगी, 3 वार्ड कंप्लीट करूंगी 1 दिन के अंदर। 3 वार्ड।